हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। तो गाइस आज अपन दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। बहुत दिनों बाद भाई मैं माइनक्राफ्ट खेलने जा रहा हूँ। गाइस आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने बनाया था अपना एक मेगा शुगर केन फार्म, जो कि भाई अपने को काफी सारा शुगर केन यहाँ पे दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं 6 स्टैक्स ऑफ शुगर केन एंड और भी भाई यहाँ पे आए जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई। काफ़ी ज़्यादा एपिक शुगर केन फार्म है। मैं गाइस आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये वाला शुगर केन फार्म आप अपने वर्ल्ड में ज़रूर से बनाना। लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस आज के इस एपिसोड में मैं सोच रहा था भाई क्यों ना अपने पास जितने भी डायमंड के वेपन्स और जो डायमंड के आर्मर्स वगैरह है इन पे भाई कुछ क्रेजी एंचेंटमेंट डाली जाए, जिससे भाई इनकी एबिलिटीज और बढ़ जाए। तो यार उसके लिए भाई मैंने सर्च किया था, अपने को बनाना पड़ेगा एंचेंटमेंट टेबल एंड उसके आसपास अपने को कुछ लाइब्रेरीज भी बनाने पड़ते हैं, जिससे जो है उसकी एक्सपी लेवल और बढ़ जाती है। तो वो गाइज आज अपन एक काम करने वाले हैं। बाकी यार मैं सोच रहा था क्यों ना भाई अपन एक फिशिंग फार्म बनाए अपने इस प्यारे से घर पे, क्योंकि भाई अपने को जब भी कोई भी फिश चाहिए होती है अपन जाते हैं भाई सीधा रिवर पे एंड वहाँ पे जाके अपन फिश को मारते हैं एंड फिर उनको पकड़ के लेके आते हैं। भाई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना चल जाता है एंड अगर गाइस वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज वगैरह आ जाते हैं जो कि भाई समुद्र के अंदर रहते हैं तो वही भाई अपना बहुत दिमाग खराब करते हैं। उससे अच्छा अपन क्यों ना अपने घर पर बैठ के फिश को पकड़ा जाए। तो ये भी गाइस अपने आज काम करने वाले हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पे एंड चेक करते हैं एंचेंटिंग टेबल बनाने के अपने को क्या क्या सामान चाहिए। तो अपन यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं एंचेंटिंग टेबल, स्पेलिंग ये आ चुकी है। तो इसको बनाने गाइस अपने को चाहिए 4 ऑब्सीडियन, 2 डायमंड ब्लॉक और एक बुक। एंड बुक गाइस अपने पास शायद से कुछ पड़े हैं। बाकी गाइस बुक बनाने के अपने को चाहिए लेदर और पेपर एंड पेपर बनते गाइस शुगर केन से एंड शुगर केन के भाई अपने पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। बाकी लेदर गाइस अपने को मिलेंगे गाय को मारने से, अपने को आज भाई काफ़ी सारे गायों को मारना पड़ेगा। बाकी पहले चलते अपने चेस्ट में, जिसमें अपने भाई सामान निकाल के रखा था अपना साइड में, जो कि अपने को चाहिए भाई इंचाइन टेबल बनाने के। तो यहाँ पे अपने पास 8 डायमंड पड़े हैं, 5 ऑब्सीडियन ब्लॉक है और 9 बुक्स पड़े हैं। बाकी ओक प्लैंक्स से जो कि अपने भाई काम आएंगे, बट इतने से भाई कुछ नहीं होगा। अपने को और भी काफ़ी सारे ओक प्लैंक्स चाहिए होंगे तो वो भाई अपन बाद में लेके आ जाएंगे। फिलहाल भाई अपन चलते हैं सबसे पहले अपनी जो इंचाइन टेबल है उसको बना लेते हैं। ऑलराइट, तो अपनी इंचाइन टेबल एक बन चुकी है एंड इसको भाई अपन प्लेस करेंगे कुछ यहाँ पे। ऑलराइट एंड अब अपन इसमें ना चेक कर लेते हैं कि बिना जो यहाँ पे साइड में बुक शेल्फ लगाए इसके ऊपर अपन कितने लेवल तक अपने जो वेपन्स है उनको अपन एनहेंस कर सकते हैं। तो अपन टेस्ट करेंगे भाई अपने पिकेक्स पे एंड गाइस यहाँ पे अपने को मिल रहा है लेवल 3 तक का एंड अपने को मिल रहा है गाइस इफिशियंसी 1, जो कि भाई बहुत ही बेकार एबिलिटी है अपने पिकेक्स पे, अपने को भाई नहीं चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं फटाफट यहाँ पे जो है अपने को लगभग 15 बुक शेल्फ बनाने हैं। तो उसके लिए अपने को काफ़ी सारा लेदर और पेपर चाहिए होगा। तो अपने पहले चले जाते हैं अपने शुगर केन फार्म पे एंड वहाँ से लेके आते भाई काफ़ी सारे स्टैक्स शुगर केन के। आई थिंक सो भाई 2 स्टैक्स शुगर केन के भाई काफ़ी होंगे। आई सी भाई देखते कितने और चाहिए भाई, और शुगर तो अपन और ले लेंगे, अपने पास बिल्कुल भी कमी नहीं है शुगर केन की। तो फिलहाल भाई मैं 2 स्टैक तो ले रहा हूँ एंड अब अपन चलते हैं भाई गाय को मारने के लिए। तो उससे अपने को मिल जाएगा भाई लेदर। भाई गाय को यार वैसे मारना तो नीचे, बट भाई ये गेम है तो यार इसके कुछ रूल्स है तो वो अपने को भाई फॉलो करने पड़ेंगे। अब भाई अपने को इसमें चाहिए यार लेदर। बाकी अपने देखो तुम कितनी सारी गाय पड़ी है यार, इतनी सारी गाय भाई अपने पास क्या करेंगे इतनी सारी गाय को। तो फिलहाल भाई अपने मारते हैं इन पर, लेदर कलेक्ट करते हैं, फिर मैं गाइस आपसे मिलता हूँ। ओके, तो लेट्स सी, सर्च करते हैं बुक्स। तो यहाँ पे आ चुके हैं बुक एंड सबसे पहले अपने को पेपर बनाने पड़ेंगे अपने शुगर केन से। तो उसके लिए अपने कुछ ऐसे प्लेस करने एंड अब अपन देखते हैं अपन कितने सारे पेपर बना सकते हैं अपने सारे शुगर केन से। ओके, तो एक स्टैक ऑफ शुगर केन से अपने को मिल चुका है टोटल 63 पेपर एंड अपने पास थोड़े और पड़े तो उसको अपन लगा देते हैं एंड देखते हैं अपने को और कितने मिले।
चलो भाई इनको अपने को फटाफट अभी वापस से क्राफ्ट करके आ जाते हैं। भाई यार मेरा फ़ोन क्यों लैग हो रहा है इतना, पता नहीं भाई क्या दिक्कत आ रही है। ओके तो यार दो बुक शेल्फ अपन और बना देते हैं एंड इनको अपन प्लेस कर देते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर अपन ने टोटल 16 बुक शेल्फ लगा दिए अपने इंचाइनिंग टेबल के साइड में। एंड भाई दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। अगर अपने इसको कैसे भी एडजस्ट कर देना बहुत ही भद्दा लगता है, बट अपन ने इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया है। ओके तो भाई लैपिस लाजुली अपने को यहाँ पे मिल चुके, अपने पास यहाँ पे 61 लैपिस लाजुली फिलहाल। एंड मेरे हिसाब से भाई इतने सारे काफ़ी होंगे। बाकी इंचेंटमेंट करने के लिए तो भाई अपने को अपनी एक्सपी लेवल को जो सबसे पहले 30 के आसपास ले जाना पड़ेगा। तो 30 लेवल की एक्सपी तो भाई अपने को फिलहाल करनी पड़ेगी। एंड वो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने को यहाँ पे AFK बैठ के जोम्बिस को आने देना है एंड फिर उनको मार के अपने एक्सपी को बढ़ा देना है। बट जब तक भाई यहाँ पे जोम्बिस आते हैं तो अपने काम करते ना, अपना यहाँ पे अपन फिशिंग फार्म बना लेते हैं जो कि भाई काफ़ी इजी है इसको बनाना एंड काफ़ी जल्दी बन भी जाएगा। तो पहले भाई कुछ खाना खा लिया जाए, यहाँ पे मेरी हेल्थ भाई काफ़ी कम हो चुकी थी। तो सॉरी फिशिंग फार्म बनाने के लिए अपने को सिंपली यहाँ पे एक ब्लॉक, ये दो ब्लॉक और ये तीन ब्लॉक कुछ इस तरीके से अपने को यहाँ पे डिक करने एंड फिर अपने को चाहिए एक डबल चेस्ट, तो वो अपने को यहाँ पे बना लेनी है कुछ इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद अपने को चाहिए गाइस एक हॉपर, तो हॉपर को अपने को इस चेस्ट से कनेक्ट कर लेना है कुछ ऐसे। एंड फिर गाइस अपने को सिंपली यहाँ पे एक फेंस को बना देना है इस हॉपर के ऊपर, तो कुछ ऐसे क्राउच करके आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एंड फिर गाइस आपको इसके ऊपर लगानी है एक प्रेशर प्लेट, तो वो भी मैं लगा देता हूँ फटाफट, बराबर से लग जाना बस। चलो ठीक है, लग चुकी है। एंड फिर उसके बाद आपको ये वाला ब्लॉक तोड़ देना है यहाँ से, यहाँ पे नीचे ज़मीन नहीं है, एक सेकंड में ज़्यादा ब्लॉक ब्रीड कर दिया मैंने। ओके एंड फिर आपको यहाँ पे जो है दो ब्लॉक हाइट तक जाना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको जो है ऊपर वाले ब्लॉक के एंडिंग पे एक ट्रैप डोर लगा देना है एंड उसके नीचे आपको लगाना है एक आर्मर स्टैंड। तो ये सब चीज़ें भाई मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी अपने फिशिंग फार्म के लिए जब मैं भाई AFK बैठ के वेट कर रहा था अपने जोम्बिस का स्पॉन होने तक। तो अपना भाई सारा सेट रेडी है, बस अपने को यहाँ पे अभी एक वाटर बकेट लेके आना है एंड वाटर बकेट को अपने को डाल देना है कुछ इस फेंस पे इस तरीके से। तो ये पानी जो अभी यहाँ पे जाएगा इससे आगे नहीं जाएगा। बाकी आपको ये वाला ब्लॉक अगर तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हो, किसी काम का नहीं है। अब अपने को सिंपली लेना है अपना फिशिंग स्टिक एंड जो फिश स्टिक आप ले रहे हो उसको आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखना है एंड फिर आपको फिश पे क्लिक करना है एंड फिर आपको वेट करना है, जैसे ही मछली आएगी आपको उसको पकड़ लेना है। तो यहाँ पे एक मछली पानी में गई एंड छपाक 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 भाई जल्दी सारे खुल गए, एक मछली आ चुकी है एंड शायद से ये हमारे चेस्ट में। ओके भाई अपने चेस्ट में जो है एक कलेक्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बैठ के जो है AFK बैठ के आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। बट हाँ भाई आपको ध्यान रखना, जब आप AFK बैठे हो तो आपको बार बार फिश पे क्लिक करना है एंड अनक्लिक करना है। तो उसके लिए भाई काफ़ी सारे लोग जो है ऑटो क्लिकर का यूज़ करता है, बट भाई मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि भाई आपको इतने सारे फिशेज पकड़ने की यार, भाई जब भी फिश का काम पड़े ना भाई आ जाओ यहाँ पे, दो तीन फिश पकड़ लो और चले जाओ, ईजी है भाई। चलो भाई अपना काम फिलहाल हो चुका है तो अपने को और फिश पकड़ने नहीं है। बाकी यहाँ पे अपन वेट करते हैं थोड़े और जॉम्बिस का स्पॉन होने तक, ताकि अपनी जो एक्सपी है भाई फटाफट यहाँ पे बढ़ सके। तो बस फाइनली अपनी एक्सपी की जो लेवल है वो यहाँ पे 30 हो चुकी है एंड अब अपन गाइस जो है अपने वेपन्स को एनहेंस कर सकते हैं 30 लेवल के एक्सपी तक। तो अपन आ चुके हैं यहाँ पे अपने एनचेंटमेंट टेबल पे एंड अपन डालते हैं अपने डायमंड पिकेक्स को एंड ये अपने को दे रहा है गाइस अनब्रेकिंग 3, जो कि भाई एक काफ़ी बढ़िया एबिलिटी है अपने पिकेक्स पे। तो इसको अपन ले लेते हैं एंड अपने को यहाँ पे मिल चुका है, ओ भाई अपने को यहाँ पे Fortune 3 मिल चुका है गाइस। पहली बार में यार इतने ज़्यादा लकी हूँ भाई, मेरे को यहाँ पे Fortune 3, Efficiency 4 और Unbreaking 3 मेरे पिकैक्स पे मिल चुका है। एंड Fortune 3 गाइस एक ऐसी एबिलिटी जिससे गाइस अगर आप कोई भी ओर को माइन करो, जैसे आप अगर आपने एक डायमंड ओर को माइन किया तो आपको दो या फिर तीन डायमंड मिल सकते हैं। नॉर्मली गाइस आपको एक ही डायमंड मिलेगा, बट आपको अगर Fortune 3 वाली पिकैक्स अगर आप माइन करोगे तो आपको दो या तीन डायमंड मिल सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एबिलिटी का इस किसी भी पिकेक्स पे। बाकी अपन और तो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड पे ट्राई कर लेते हैं, तो स्वॉर्ड पे भी अपने को दे रहा है बेन ऑफ ऑटो प्रॉट्स 4, जो कि भाई अपने को नहीं चाहिए, कुछ ठीक ठाक एबिलिटी नहीं है। बाकी अपने एक्स पे भी अपने को अनब्रेकिंग 3 दे रहा है, तो शायद से उस पर भी कुछ अच्छे एबिलिटीज हो सकते हैं। बाकी तो यार और कुछ खास एबिलिटीज पे है नहीं एंड फिलहाल अपनी एक्सपी की जो लेवल है वो यहाँ पे 27 हो चुकी है, अपने को इसको वापस से 30 करनी पड़ेगी। एंड वो भाई मैं AFK बैठ के या फिर ऑफलाइन बैठ के कर लूँगा। बाकी यार गाइस आज के इस एपिसोड में अपन ने बनाया भाई अपना एक एन्चेंटमेंट रूम और अपन ने बनाया भाई अपना एक प्यारा सा फिशिंग फार्म, जहाँ पे बैठ के अपन आराम से जितनी मर्जी उतनी फिशिंग कर सकते हैं।
तो यार गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को ये वाला फिशिंग फार्म कैसा लगा। बाकी यार गाइस आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप गाइस आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आया, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।